कहानी हर घर की। ज़्यादा देर तक सोने वाली और बार बार उठाने पर भी थोड़ी देर और सोने दो ना कहने वाली सालनी आज सुबह के 5 बजे ही उठ गई थी। इतना ही नहीं, उसने सबके लिए चाय बनाई, पेपर लेकर आई, बगीचे में पानी दिया और पापा को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी उठाया। सभी लोग सालनी को बड़ा आश्चर्य से देख रहे थे। सभी का एक ही सवाल था, सालनी तुम यह क्या कर रही हो? सालनी ने धीरे से जवाब दिया, 4 महीने हो गए हैं मेरी शादी तय हुए, वहाँ पर कौन होगा मेरे आगे पीछे घूमने वाला, वहाँ तो सब मुझे ही करना होगा, बस इसीलिए आज से शुरू कर दिया। घर की बेटी को इतना समझदार होते हुए देख सबको खुशी हो रही थी और साथ ही साथ बुरा भी लग रहा था। बुरा लगने जैसी बात भी थी, क्योंकि अब वह हमेशा के लिए उनको छोड़कर उसके ससुराल जाने वाली थी। एक और महीना बीत गया और आखिरकार सालनी की शादी हो गई, वह अपने ससुराल आ गई। सुबह समय पर जाग पाएगी या नहीं, इसी विचार में वह रात भर सो ही नहीं पाई। सुबह होते ही उसने नहाया और पूजा की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वह सोचने लगे कि आज खाने में क्या बनाया जाए जो बड़े और बच्चे दोनों को पसंद आए। तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई। सालनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सासू माँ थी। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गए? शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी, ऊपर से घर वालों की याद भी आती होगी, और मैं जानती हूँ रात को ठीक से सो भी नहीं पाई होगी, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सालनी मन ही मन सोचने लगी, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैं सोच रही थी। मैं तो डर के मारे कितने दिनों से सुबह जल्दी उठने का प्रयास कर रही थी, यहाँ तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। सालनी ने कुछ काम खत्म किया था कि तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, बेटा इधर आओ, देखो तो सही मैं क्या बना रही हूँ, मटर पनीर, पराठा और गाजर का हलवा। अरे वाह, यह तो सभी मेरे फेवरेट डिश हैं, सालनी बोली। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे लग रहा था जैसे यह सब सपना है। सालनी को एहसास हुआ कि यह सपना नहीं सच है। सासू माँ ने कुछ कहा, सालनी सुन नहीं पाई, वो थोड़ी डर गई। उसे डरा हुआ देखकर सासू माँ ने कहा, सालनी जरा इधर तो आओ, यहाँ तो बैठो, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो, शादी मतलब लड़की की परीक्षा नहीं होती है। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे लड़के से नहीं हुई है, जितनी जिम्मेदारी उसकी तुम्हें खुश रखने की है उतनी ही हम सब की भी। हमने तुम्हें घर सिर्फ काम करने के लिए नहीं लाया है, तुम्हें क्या क्या आता है या तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो यह सब देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं, और हम तुम्हारी आज़ादी भी तुमसे नहीं छीनेंगे। अगर अपनी बात करूं तो मुझे सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड चाहिए थी। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि बहू ने सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए, और मैं यह भी नहीं मानती कि बहू को बहुत अच्छा खाना पकाना आना चाहिए। शादी का मतलब तुम्हारे सपनों का बलिदान बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बल्कि मैं तो कहूंगी कि शादी का मतलब तुम्हारे सपनों को और ज़्यादा ऊंची उड़ान देना होना चाहिए। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर दिन हर पल। सालनी की शादी को अब 10 साल बीत चुके थे। इन 10 सालों के सफर में उसने जो अनमोल रिश्ते कमाए थे उनमें से एक थी माँ। जी हाँ, वही सासू माँ जो अब उसकी माँ बन चुकी थी। सालनी ने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उसके मन में यह एक सोच बहुत पक्की बैठ चुकी थी कि वह जब भी उसके लड़के की शादी होगी और वह घर में बहू लाएगी तो वह भी अपनी सासू माँ की तरह ही अपनी बहू के साथ व्यवहार करेगी।